दोस्तों दमन जैसी मास्टरपीस फिल्म बनाने के बाद ओडिशा के सुपरस्टार बाबूशान फिर से एक धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों फिल्म का पहला ग्लिम्प्स रिलीज हो चुका है। दोस्तों बाबूशान एक्शन अवतार काफी शानदार नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों इतने कम बजट में भी ओडिशा इंडस्ट्री हमेशा अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम माल्यागिरी होने वाला है और इसे भी शायद पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म इसी साल दशहरा के दिन रिलीज होने वाली है। फिल्म का बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो काफी दमदार नजर आ रहे हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक जंगल जैसे इलाके की कहानी को दिखाएगी जिसमें ओडिया सिनेमा के बड़े बड़े स्टार कास्ट को लिया गया है। दमन से पहले तक इस इंडस्ट्री को हमने ना देखा था और ना पहचाना था, लेकिन दमन ने ओडिया सिनेमा के लिए एक पैन इंडिया रिलीज करने का रास्ता खोज दिया। ठीक ऐसे ही बंगाल की फिल्म चेंगेज ने बंगाली फिल्मों के लिए किया। दोस्तों हमारे देश काफी सारी फिल्म इंडस्ट्री हैं, लेकिन सभी अपने अपने ऑडियंस के हिसाब से फिल्म बनाते हैं। माल्यागिरी पूरी तरह से मसाला एक्शन पैक फिल्म होने वाली है और बाबूशान का जो एंट्री वाला सीन दिखाया गया है वो साउथ सिनेमा को टक्कर दे रहा है। बाकी देखते हैं फिल्म का ट्रेलर कैसा होगा। फिलहाल इस फिल्म को आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों पहले इस फिल्म का एक टीजर रिलीज होने वाला है और उसी की तैयारी चल रही है। दोस्तों ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी और इसका बजट 4 करोड़ रखा गया है, क्योंकि ओडिया इंडस्ट्री में इतने बजट में ही अच्छी फिल्में बन जाती हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा दमन का बजट सिर्फ 90 लाख था, यानी 1 करोड़ से भी कम, और उस फिल्म के स्क्रीन प्ले विजुअल्स बजट के हिसाब से 1000 गुना अच्छे थे। दोस्तों माल्यागिरी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है और इसके बाद भाई भी एक पैन इंडिया फिल्म होगी। दोस्तों ये ओडिया इंडस्ट्री की सबसे एंटीसिपेटेड फिल्म है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भाई और माल्यागिरी फिल्म से बाबूशान के बाद अम्लान भी पैन इंडिया डेब्यू करने वाले हैं। आप लोगों को ये टीजर ग्लिम्प्स कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना।